नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में और आप सभी के चैनल तेज ट्यूब पे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप सभी के एक नए अपडेट के बारे में जो कि अभी आ रही है आप सभी के पीसीपी से रिलेटेड। पीसीपी का अर्थ होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने आप सभी को काफ़ी पहले बताया है। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, अभी हमें आपके वेबसाइट पर जो कि है dlet.nius.ac.in, आप सभी को जाना है स्टडी सेंटर कॉर्नर में। यहाँ पर जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे एक नई राज्य दिखेगी जो कि है नागालैंड। नागालैंड के पीसीपी को भी शेड्यूल कर दिया गया है। बिहार, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा और झारखंड, ये जो राज्य हैं इन सभी की पीसीपी को पहले शेड्यूल कर दिया गया था। इन सभी के बारे में हमने आप सभी को बताया है। आज हम देखेंगे नागालैंड और बिहार के बारे में, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो नागालैंड के बारे में देख लें, नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड में जो डेट्स हैं वो है 10 फरवरी यानी 10 फरवरी से आप सभी की इनॉग्रेशन डेट होगी और ये चलेगा 25 मार्च तक। यहाँ पे नोट दिया गया है कि ईच सेशन विल बी 2.5 आवर ड्यूरेशन, यानी ढाई घंटे का ड्यूरेशन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन द शेड्यूल इज़ परमिटेड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द नोडल ऑफिसर एज पर द लोकल नीड्स ऑफ द स्टडी सेंटर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ 15 डेज ऑफ पीसीपी। यानी ढाई घंटे की क्लासेस होगी और आपका शेड्यूल फिक्स रहेगा वहाँ पे, और कुछ चेंजेस हो सकते हैं नोडल ऑफिसर के जानकारी के बाद। तो ये थी नागालैंड की अपडेट। अब बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार एक बड़ा राज्य है और यहाँ से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं स्टडी सेंटर से रिलेटेड। तो बिहार में जैसे कि अपडेट है, 3 तारीख से यहाँ पर स्टडी सेंटर्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं और आज है 4 फरवरी। 4 फरवरी को ये वीडियो डाली जाएगी आप सभी के चैनल पे। तो मेनली जो हमारे कमेंट्स हैं, जो आप सभी ने कमेंट्स किए हैं, उसमें आप सभी ने बताया है कई जो शिक्षक हैं वो अपने स्टडी सेंटर्स पे गए हैं, कई शिक्षकों को अभी तक स्टडी सेंटर नहीं मिला है, कई शिक्षक हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं है कि उनकी पीसीपी कब होनी है। तो बिहार में 3 फरवरी से आप सभी के पीसीपी स्टार्ट होने वाले थे। मैंने आप सभी के कोऑर्डिनेटर से बात करने की कोशिश की है, कुछ कोऑर्डिनेटर से मेरे कांटेक्ट हो पाया है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, मोतिहारी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे मैंने बात किया, जिन्होंने कहा मुझसे कि आज मेनली जो है 3 तारीख को उन सभी की ट्रेनिंग हो रही थी और 4 तारीख से बिहार में स्टडी सेंटर्स स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बताया हमें कि आज उनकी क्लासेस भी हुए हैं, कई जगहों पे क्लासेस भी हुए हैं, जैसे पटना में कई सेंटर्स हैं जहाँ पे क्लासेस हुए हैं। तो धीरे धीरे आप सभी की जो शेड्यूलिंग है वो होते रहेगी। और अगर अब तक आपको आपके पीसीपी के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूँ, 3 फरवरी से डेट्स स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग बिहार में सारे सेंटर्स मिल चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखें बिहार के बारे में, तो जो बिहार के हमारे टीचर्स हैं आपको सारे के सारे सेंटर्स रिसीव हो चुके हैं। धीरे धीरे अब आप सभी को अपने अपने सेंटर्स पे जाना है और अपने स्टडी को करना है। 15 दिनों की पीसीपी होगी, जिसमें 12 दिन आप सभी को अपने स्टडी सेंटर्स पे जाना है और आपको सिखाया जाएगा। इसमें आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगी, यानी नंबर कुछ नहीं होगा, बस आपका अटेंडेंस इसमें मेन है। जो मार्किंग होगी वो SBA यानी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़, TMA ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स के बारे में होगी। आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपने असाइनमेंट्स को बना लिया है। अगर नहीं बनाया है तो आप सभी के चैनल पे सारे आंसर्स अपलोडेड हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये थी अपडेट बिहार से रिलेटेड कि जिन शिक्षकों को अभी तक अपना स्टडी सेंटर नहीं मिला है उन्हें जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपने अपना रेफरेंस नंबर नहीं डाल के चेक किया है तो आप यहाँ पे जाके रेफरेंस नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। जिन शिक्षकों का स्टडी सेंटर दूर है उसे नज़दीक करने की कवायद हो रही है, जल्द ही उसे नज़दीक किया जा सकता है और आप वेट करें। और कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने कहा है कि सर मुझे अभी तक मेरा स्टडी सेंटर नहीं मिल पाया है। तो अगर आपको आपका स्टडी सेंटर नहीं मिला है तो आप अपने नोडल ऑफिसर से या NIUS के कोऑर्डिनेटर से या अपने स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आप पता करें कि आपके इलाके में कौन सा स्टडी सेंटर है और ये भी पता करें कि कहाँ पे पीसीपी की शेड्यूलिंग अभी हो रही है। आपको बस जाना है अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को डाल के यहाँ पे चेक करना है। अभी फ़िलहाल नागालैंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, ये 3 जो राज्य हैं इनकी स्थिति अभी सबसे बुरी है। सबसे अच्छी स्थिति अभी चंडीगढ़ की है, आपको छत्तीसगढ़ की है, बिहार में पटना की है। इन सभी जगहों की जो स्थिति है अभी ठीक है। धीरे धीरे आप सभी के राज्यों
की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तो बस धैर्य बनाए रखें और अपने स्टडीज़ को करते रहें। आप सभी के चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आ रही है, उसे भी देखते रहें। और भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।